तो मनाली व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। हम लोग इस टाइम पे गाजियाबाद में कार में बैठ रहे हैं। यहाँ पे हमारे भाई गोलू भाई, सौरभ भाई द ग्रेट और मैं, हम सब यो 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 दिवांशु भाई ये हमारे दिवांशु भाई और हम सब मनाली के लिए बिल्कुल निकलने वाले हैं। स्टार्टिंग हमारी ट्रिप की जो स्टार्टिंग है वो हो चुकी है और आगे कोई भी अच्छे सीन आएगा वहां पे कंटिन्यू करेंगे। ओके पीस ऑफ, बाय। रात के 10:30 बजे हुए हैं, अभी भी हम ड्राइव कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम कोई होटल देख रहे हैं जहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। वेलकम बैक। अब पूरे 100 किलोमीटर की ड्राइव कंप्लीट करने के बाद हम लोग रुके हैं कहाँ पे, अमरिक सुखदेव पे। बहुत अच्छी लोकेशन है और एक एक चीज दिखाएंगे। सारे भाई थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हैं जितने भी हैं, और अब हम खाएंगे मुरथल के पराठे, उसके बाद एनर्जी लेवल दिखाएंगे आपको। अब लेवल आ जाओ भाई, आ जाओ। हम आ गए अमृत सुखदेव पे और हमारे साथ है ये और हमारे भाई और हम सब है कैमरा मैन विपिन सेंगर के साथ। तो विपिन सेंगर निखिल भाई यहाँ पे देखते हुए क्या खाना है क्या नहीं खाना, भाई क्या पसंद आया आपको? अभी तो पढ़ ही रहा हूँ पर अभी आलू पराठा ही समझ में आया, और तो समझ ही नहीं आया। बहुत सारी वैरायटी है पराठों की, तो भी देखते हैं। जैसे आलू पराठा, ऑनियन पराठा, आलू प्याज पराठा और गोभी पराठा, सीजनल सीजन के अकॉर्डिंग मिलेगा। पनीर पराठा, पनीर प्याज पराठा, बहुत सारी लिस्ट है, जब जो मंगाएंगे वही दिखा देंगे, नहीं तो बड़ा कम हो जाएगा। देखते हैं क्या बनाते हैं, पहले चूज करते हैं फिर दिखाते हैं, कंटिन्यू करेंगे। अभी ना निखिल भाई ने 5 तरह के पराठे ऑर्डर करे हैं, क्योंकि हम 5 बंदे हैं तो 5 तरह के पराठे ऑर्डर करे हैं सबके लिए अलग अलग। टेस्ट कर लेंगे आपस में आप सब एक दूसरे का, और आते ही बताते हैं आपको, देखते हैं कैसे आते हैं अमृत सुखदेव के पराठे। फेमस तो बहुत है पर देख के बताते हैं आपको क्या आता है क्या नहीं आता। भाई हमारे पराठे आ गए, सौरभ भाई को बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो वो खाने भी लग गए और ये सब देखने तो काफी लाजवाब लग रहे हैं। चलिए खाते हैं, खा लेते हैं और खाने के बाद बताते हैं क्या था टेस्ट। अभी तो मक्खन देख के लग रहा है कि मक्खन देख के लग रहा है टेस्टी होंगे। पराठा कौन सा देते हैं? एक एक बाइट मार के बदलते रहो। खाना खत्म हो गया, खाने का मन बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत बढ़िया खाना। निखिल भाई का नंबर आया, निखिल भाई बहुत ऑसम। मुझे सबसे प्यारी चीज लगी बटर, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम पैकेट का खा रहे हो कुछ, और एकदम देसी माल लग रहा है, एकदम हर जैसा लग रहा, बहुत मजेदार, जैसे अपने गांव का खाना खाया। बिल्कुल भाई, खाना तो सबने पास कर दिया, बहुत अच्छा था, मैंने भी खाया बहुत अच्छा ही था। अब देखते और भी मंगाया है कुछ, आगे देखिए पराठे ही मंगाए।
पराठे पसंद आए हैं भाई। भाई पराठे इतने पास कर दिए कि अब दोबारा भी दूसरा ऑर्डर भी पराठे के दिया है। दूसरा ऑर्डर आता है फिर देखते हैं। आलू पराठा बढ़िया है इनका, अगर आप आओ तो आलू पराठा ट्राई करो इनका। लेट मिलते हैं आप खाना पीना होने के बाद। ओके तो गाइस यहाँ पर खाना खा चुके हैं हम, तो हमारा भर गया पेट, ठीक है पूरा भर गया दो पराठों में। और भाई हम जा रहे हैं अब घूमने को, अब बिल भरेंगे हमारे। ये भाई बिल कौन भरेगा? तू भरेगा बिल? तू भी भर देगा भाई? तू भरेगा बिल? भाई तीनों राजी है, हम बिल नहीं भरेंगे भाई। बिल भरेंगे? बिल्कुल नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे भाई। दोस्तों ये मनाली आते समय ये लास्ट सीएनजी पंप है, इसके आगे कोई सीएनजी पंप नहीं मिलेगा आपको। अभी हमने गाड़ी का टैंक फुल तो करा लिया, पता नहीं कब तक साथ देगा। ये टैंक फुल करा लिया है, अब देखते हैं कहाँ तक गाड़ी हमारे साथ देगी। उसके आगे पेट्रोल डीजल पे जैसे भी सुविधा है आपकी गाड़ी में वैसा कुछ चलानी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट है ये। इसके आगे कोई भी सीएनजी पंप नहीं है मनाली जाने के लिए, इस रास्ते में लास्ट सीएनजी पंप है ये। और ये देखिए अब यहाँ से मनाली ज़्यादा दूर नहीं लेकिन टाइम बहुत लगेगा, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में। यहाँ से आगे गाड़ी की स्पीड बहुत मामूली मानी है, 20-30 की स्पीड में जाएगी दूसरे तीसरे गियर में। हाँ सो टाइम तो बहुत लगने वाला है, हालांकि किलोमीटर कम है लेकिन सफर बहुत लंबा है अभी, तो देखते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग दिन की शुरुआत कर रहे हैं, फिलहाल हिमाचल में एंट्री ले चुके हैं, सारी रात ड्राइव की है। और पूरी रात ड्राइव करने के बाद में हिमाचल में अभी आकर के लगे हैं, एक छोटा सा टी ब्रेक हुआ था जिसके बाद में अब काफी रिफ्रेशिंग फील कर रहे हैं हम भी और ड्राइवर भैया भी। बाकी हमारे आधे से ज्यादा जो सोल्जर्स हैं वो देख लो उनकी स्थिति हो रखी है, और कुछ की तो हालत ऐसी है जो मतलब बाहर ही निकाल ले सर भी, बिल्कुल ऐसी हालत हो रखी है। सारी रात आखिरकार बैठे हैं और भाई मौसम बहुत ज्यादा औसम हो रखा और इतनी अच्छी वादियां, मजा ही आ गया। सारा एक एक करके व्यू दिखाता हूँ, अभी आगे कंटिन्यू व्यू दिखाता हूँ। बहुत ऊंचे ऊंचे हैं भाई, आप देख सकते हैं। 15-16 गाइस अब तक का सफर कैसा रहा आपका मिस्टर निखिल? यार सफर बहुत ज्यादा मजेदार रहा, लेकिन पता है अब थोड़ी सी टायर्डनेस होने रखी है, और सबसे मेन बात ये अभी हम फ्रेश नहीं हुए हैं कल रात से ही, सब लोगों को थोड़ा तो फ्रेश होना है। बाकी सफर बहुत अच्छा चल रहा है, जो व्यूज वगैरह चल रहे हैं वो बहुत अच्छे। मिस्टर सौरभ जी बिल्कुल बिल्कुल सेम मैं यही कहूंगा, पीछे भी कंडीशन है वैसे भी भाई। 16-17 घंटे हो गए गाड़ी में बैठे बैठे, अभी 2-2.5 घंटे और बैठना है, सिर्फ चार में बैठे हैं कि कहीं रूम मिल जाए और हो जाए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद बताते हैं। चलिए गाइस अब बहुत ही जल्दी रूम मिलने भाई हम अब पहुंचने वाले हैं,
के अंदर घुस चुके हैं। गाइस हम टनल के अंदर एंट्री कर चुके हैं और देखो क्या अच्छा व्यू आ रहा है टनल के अंदर। और तारीफ मनाली रूम्स में आ गए। हमने रूम ले लिए हैं, दो रूम लिए हैं, ये इसमें सौरभ भाई और देवेश भाई और ये दिव्यांशु भाई, दीपांशु भाई और ये निखिल भाई चार्जर लगाने में बिजी हैं। बहुत जल्दी मोबाइल चार्ज करना है इनको और फिर मजे काटने मोबाइल से। वाईफाई फ्री है, वाईफाई फ्री है और देखते हैं और क्या क्या मिलेगा। अच्छा खाना पीना देखते। और ये दूसरा रूम है, ये दूसरा रूम है हमारा, ये भी ठीक है। और आपको व्यू दिखाता हूं यहाँ का, जो व्यू है ना भाई बहुत ही अच्छा व्यू है। यो व्यू यहां से ठीक नहीं आ रहा थोड़ा, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगा व्यू, ठीक है। मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूं भाई, आप देख सकते हैं व्यू कैसा है, एकदम मस्त भी हुआ। यहाँ से ये देख सकते हैं, ये हमारा रूम है, ये देखिए रूम है, यहाँ से ये दूसरा रूम के लिए रास्ता है, ये दूसरा रूम है, ये दूसरा रूम है, ये दोनों देखो रजाई में घुस गए ठंड के मारे, देखो। और ये दूसरे रूम से हमारा बहुत ही अच्छा व्यू आता हुआ, ये भाई अलग ही व्यू है यहाँ पे। और दो चेयर पड़ी हैं, इन पे आराम से बैठ के मजे करो। यहाँ देखो हमारे पास में भी बर्फ है भाई, अलग ही मजा है यहाँ से। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे निखिल भाई कुछ कहना चाहेंगे क्या इस वीडियो के एंड में? आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारा ये ब्लॉग, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाइए, ताकि इसी टाइप के और भी ब्लॉग फ्यूचर में आपको मिलते रहे। और इसी के साथ हमारी मनाली ट्रिप का सेकंड ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा, जो कि होने वाला है, अभी डिसाइडेड नहीं है लेकिन कल तक पता चल जाएगा, शायद सलोंग का नहीं रहेगा। जब तक के लिए पीस आउट, यो यो यो।